नहीं करेगा। आप सबको इससे मैं माफी मांगता हूँ कि सरकार आपको एक पक्की रोड पर चमा से इसमें ध्यान रखना, रोड पर ना दारू पर बहुत पड़ेगी। अब याद रखना गर्ग जी, आप खड़ग मुगली में पहुंचे हो, जनता का काफी समर्थन आपको मिला है, क्या कहना चाहोगे? आप देख रहे हैं कि सब जगह अभी रजीव कॉलोनी में था, यहाँ पे आए, अभी रत्ते वाली जा रहे हैं, सब जगह पे जहाँ भी जाते हैं सब लोग बहुत खुश होते हैं कि सब चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने सबको निराश किया है, डिसअपॉइंट किया है, और सब लोग ये चाहते हैं कि अब जो है बदलाव आना चाहिए, जैसे दिल्ली में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, इस तरह से ये बदलाव जो है अब हरियाणा में आएगा, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो है किंग मेकर की भूमिका में आती है। यहाँ पर लोग आते हैं, वादे करते हैं, प्लाटों के करते हैं, यहाँ पे सीवेज, पानी, लाइटों, आज तक कोई किसी प्रकार का काम नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई पानी, बिजली, रोड सब बुरा हाल है। इसके लिए ही आम आदमी पार्टी हमेशा आम लोगों के लिए काम करती है, और हमारे ये हमेशा प्रयास रहेगा कि खड़ग मुगली, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, सब जगह पे जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं वो प्रोवाइड की। तो आपकी सरकार जब बनती है, बनते ही आपकी सरकार के पहली कॉलोनियों की तरफ रहेगा, हमारा हमेशा ध्यान कॉलोनियों की तरफ होता है, सबसे पहले कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, फिर बिजली का, पानी का, एजुकेशन का और हॉस्पिटल का, वो हमारे जो चार मुद्दे रहते हैं वो हमेशा रहते हैं, और हम हर जगह पे इन चार मुद्दों पे काम जरूर करते हैं। गांव खड़ग मुगली की जनता के लिए क्या अपील करना चाहूँगा? यही है कि आप इस बार झाड़ू पे बटन दबाइए, झाड़ू को जिताइए, बदलाव कीजिए, और आप जो इतने 30-40 सालों से आप परेशान हो रहे हैं वो परेशानियों को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश कीजिए।